ओके चलो आज तुमको फ्री फायर कुछ सीक्रेट कुछ अपडेट कुछ ट्रिक सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, वो भी एक ही वीडियो के अंदर। तो चलो ऐसी बात पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और देखना एंड तक जरूर से। चलो यार दिखाता हूँ। ओके अब सबसे पहला वाला देखो, अगर हम किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना हो बिना किसी के इन्वाइट से तो हम अपने वर्ल्ड सेक्शन में जाके ना किसी भी ग्रुप में रैंडमली घुस सकते हैं, बट ये तो पुराना है ना। चलो दिखाते हैं कमाल का ट्रिक जिसे तुम ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब सबसे पहले अपना एक स्क्वाड बना लेना। अब ऊपर में देखो तुम्हारा एक स्क्वाड का टीम कोड बन चुका है, तो इस टीम कोड तुम कॉपी कर लेना और उसके बाद सिंगल हो जाना और उसी टीम कोड को ना खुद के टीम कोड में एंटर कर देना। और यहाँ पर करना क्या है, तुमको जो लास्ट डिजिट दिख रहा है 394, ये लास्ट सबका सेम ही कुछ ऐसे रहता है, तो भाई जो लास्ट वाला है ना 394 इसे चेंज करके मैं कर देता हूँ 494। ये हो गया, अब एंटर करता हूँ। वो भाई ये देखो, मैं अपने खुद की टीम कोड से भाई किसी और की टीम कोड में घुस गया। ये देखो भाई बंदे क्या ही सोच रहे हो भाई, इसे किसने बुलाया। और ये ना हर बार वर्क करता है, तुम बस एक डिजिट को वहां से बदल देना, तीसरे नंबर जो 3 था ना उसे 456 हर बार करते रहना। ये भाई कौन सा ग्रुप में घुस गया, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, भाई कौन सी भाषा बोल रहे हैं। और इसी तरह से हमेशा तुम ट्राई कर सकते हो भाई, बक्के बंदे तो सौ हो ही वाले कि भाई अभी इसे किसने बुलाया। हाँ यार चलो इस चीज को तुम ट्राई करके देखना यार, काम करता है एंड मजा भी आ गया ट्राई करने में। ओके चलो नेक्स्ट बताते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के सोशल में वर्क करने वाला है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इस पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो सीधा जाना इस फुटबॉल वाले ग्राउंड पे और यहाँ पर एक फुटबॉल होता है जो की ऊपर से आने वाला है, ओ रहा गाइस ये रहा। एंड जब ये नीचे आ जाएगा ना तुम्हें एक बार में इसे ऐसा गोल मारना होगा कि ये सीधा के सीधा जाके उस गोल पे जा गिरे। ओके कुछ इस तरह से, जैसे वो गोल होने वाला होगा ना जहाँ वो फुटबॉल गिरता है जस्ट उसके सामने लेट जाना और गेम को बस 5 सेकंड के लिए मिनिमाइज कर देना, उसके बाद ओपन करोगे ना। यार वो फुटबॉल का वजन इतना ज्यादा था ना कि तुम धरती के नीचे चले गए। ये देखो भाई हम ट्रेन ग्राउंड के अंदर नीचे आ चुके हैं। और वैसे तो देखो यहाँ से तुम फायर वायर कर सकते हो जो जाए, बट अगर मैं फिर से एक बार मिनिमाइज किए ना तो सीधा है इसके नीचे, और चाहो तो नीचे वाले नजारे ले सकते हो, वो भी काफी मस्त से। और पता नहीं यार करीना को क्या पता रहता है कि भाई सेम नीचे जा सकते हैं बंदे, तो उसे वापस आने के लिए भी कुछ देना चाहिए। ये देखो ना तुम जब नीचे जाओगे ना तुम्हें एक नया ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर तुम जाने के बाद सीधा इसके ऊपर जा सकते हो। यार पता नहीं इन साइजों को पता था कि कोई बंदा अगर नीचे गलती से गिर गया तो उसे ऊपर कैसे लाना है, और इसके ऊपर जाके खड़े हो गए तो सीधा टेलीपोर्ट करके तुम ऊपर आ जाओगे, है ना कूल सा, ट्राई कर लेना। चलो अब तुम अगर फ्री फायर के अंदर भूत बनना चाहते हो गोस्ट ना, तो उसके लिए भी एक ट्रिक दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तुम ले लेना ओरिन कैरेक्टर को नया वाला, अब ईपीपी खा लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो क्या करना है, ड्राइव प्लस कैरेक्टर एबिलिटी एंड तुरंत से भाई नेट को ऑफ कर देना है, तुरंत से ही करना वरना मेरी तरह से लेट हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। ओके हमने दूसरी बार किया तो भाई ये काम कर चुका है। एंड ये देखो जब वो एबिलिटी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा ना तुम्हारा बस बाइक ही दिखने वाला है, बाकी कैरेक्टर कहाँ गया वो तो किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। बट हाँ यार देखने में नहीं बोला बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे तुम्हारा कैरेक्टर है वहीं पे क्योंकि तुमने नेट को ऑफ कर दिया, इसकी वजह से वो कैरेक्टर इनविजिबल हो चुका है पूरी तरह से, और बस दिख रहा है तुम्हारे पास ये बाइक और वो भी फुल कंट्रोल के साथ में, जो कि चलाने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है। यार इस चीज को तुम ट्राई करके देख लेना और इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना, अपने फ्रेंड को साथ भेज सकते हो भाई देख ले यार भूत मेरे कार को चला रहा है ड्राइव कर रहा है खतरनाक है। हाँ तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज भी है गाइस, देखोगे देखो अगर तुम स्टोर वाले सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ जो हमें कैरेक्टर मिलते हैं ना ये सब के सब कोल्ड पे अवेलेबल हो चुके हैं। पहले यार एक एक कैरेक्टर को लेने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या करने पड़ते, कितने पैसे वैसे देने पड़ते डायमंड के लिए, बट अब यार सारे कैरेक्टर हमें गोल्ड पे मिल रहे हैं ना। बट अगर पेट देखोगे तो पेट तो अभी भी भाई ये डायमंड से मिल रहे हैं, ये गोल्ड पे नहीं है। डोंट वरी यार तुम अपने गोल्ड को सेव कर लेना क्योंकि भाई एक इवेंट क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है जहाँ पे तुम्हारा सारा जो पेट था वो भी गोल्ड पे अवेलेबल होने वाला है। जिस तरह से तुम्हें कैरेक्टर मिल रहा है ना गोल्ड पे, अब पेट भी मिलने वाला है तुम्हें सबके सब गोल्ड पे। हाँ जितने पेट हैं सबके सब गोल्ड पे अवेलेबल होने वाले। तुम लोग सोच रहे हो भाई करीने वाले भाई हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, सब कुछ डायमंड से मिल रहा था, अब सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ज्यादातर तो भाई गोल्ड से मिल रहा है। तो यार देखो ना हमारे इंडिया पे बहुत सारे बैटल ग्राउंड गेम एक ही बार में आने वाले हैं। इंडस हो गया है, GTA 5 इंडिया होने वाला है, पबजी तो ऑलरेडी आ ही रुका है और एक दो और भी थे जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो यार सोच रहे हो कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा होने वाला है, अब भाई ऐसे में ऑडियंस को अपनी रखना तो बनता है ना, समझ रहे हो गए इसी का। इसलिए भाई करीना की तरफ से सारी चीजें हमें फ्री में देखने को मिल रहा है। हाँ हो सकता है वो दिन भी दूर नहीं जब गेम के अंदर भाई बड़े बड़े गन्स है स्किन वगैरह है ये सब हमें फ्री में देखने को मिल जाए। क्या लगता है यार वो टाइम क्या आ सकता है जब हमें ईवो वाले गन भी फ्री में मिल रहे होंगे। यार इसके लिए थोड़ा सा पता नहीं कब आने वाला है, बट देखते हैं यार क्या होने वाला आगे। हाँ इस वाले अपडेट में भाई कुछ इमोट्स के नए चेंजेस हुए, क्या तुम्हें पता है। हाँ थोड़े बहुत हुए हैं ज्यादा नहीं, बट कुछ नए पुराने वाले इमोट्स थे ना उसके थोड़े बदलाव किए गए हैं।
पहला वाला भाई ये किधर गया यार, ये वाला वैसे ज्यादा तो पता नहीं चलने वाला क्योंकि तुम बहुत ही कम इस चीज को यूज करते होगे, बट इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव गया, मतलब काफी पहले से स्मूथ कर दिया गया। एंड दूसरा वाला ये मोन फ्लिप है जो कि पहले कुछ ज्यादा अच्छे तरह से पीछे से जंप करता था, मतलब उल्टे, बट अब देखो थोड़ा सा कमी हो रहा है। पता नहीं इन लोगों ने खाए पिलाए नहीं है कैसे भाई, थोड़ा आधे दूर से जंप करके घूम जा रहा है। एंड तीसरा वाला भाई ये वाला है जो कि लैंडिंग के टाइप में थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, मतलब जब ऊपर जाता है और नीचे गिरता है ना तो भाई झटके से गिरता था, बट अब स्मूथली गिर रहा है, चलो ठीक है। हाँ एक और चीज, अब देखो यार गेम का जो ग्लाइडर एंड सर्वर स्किनवुड होते थे वो तो बहुत टाइम पहले रिमूव कर दिए गए, अब इसे यूज भी नहीं कर सकते थे। बट देखो यार इस चीज को तुम्हें पता होगा कि जो ग्लाइडर है वो क्राफ्टन पे अभी भी वर्क करता है, क्राफ्टन पे हम अपने ग्लाइडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है यहाँ पर सर्वर को भी हम यूज कर सकते हैं यार, लेकिन इस चीज को बहुत सारे प्लेयर को पता ही नहीं। चलो ना मैं बताता हूँ कि इस चीज को तुम कैसे यूज कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपना क्राफ्टन मैप बनाओ एंड उसके अंदर भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले एक मैप बनाना रेंडम सा कोई सा भी जैसा चाहे वैसा, उसके अंदर तुमको एक वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगा ये वाला, अब इस पे क्लिक करना, यहाँ पे 3 डॉट है इस पे क्लिक करना, ऊपर में देख रहे हो थोड़े का साइन बना हुआ है सेटिंग जैसा, उस पे क्लिक करना, यहाँ पर काफी सारे गन्स मिल जाएंगे। और ये देखो मैंने यहाँ पे ग्लाइडर सर्वोर्ड और ये ट्रेनिंग वाला गन पता नहीं सारा कुछ है जो कि यहाँ मैंने ऐड कर रखा है, चलो इसे हटा देता हूँ। ओके अब किसी चीज को ऐड करने के लिए बस वहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, जैसे करोगे नीचे बहुत सारा ऑप्शन तुमको खुल जाएगा, बैग लेपल वेपल सब कुछ है, नीचे आइटम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना, यहाँ पर तुमको मिल जाएगा जंपिंग वाली सूज, ग्लाइडर और ये सर्वोर्ड और ये ग्लूअल, पता नहीं क्या क्या यार सारा कुछ यहाँ पर, मतलब गेम के अंदर जो चीज भी अवेलेबल है ना वो सब कुछ तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब चाहो तुम उसका क्वाइन भी सेट कर सकते हो कि कितने में हमें परचेस करना है, मैंने इसे 2 कर दिया, तुम फ्री में भी कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है, जैसा चाहो वैसा। अब चलो इतना करने के बाद सीधा इसे जहां लगाना है वहां पे लगा देना। अब गेम के अंदर जाने के बाद ना, चलो मैं यहाँ पर बोर्ड के साथ भी एक बार स्किन लगा देता हूँ। ओके स्टार्ट हो चुका है, अब सीधा पैसे वैसे ले लेना और सीधा चलना परचेस करने के लिए। और ये देखो तुम लोग भाई सब के सब मिल रहे हैं, ग्लाइडर भी मिल रहे हैं, सर्वर भी मिल रहा है और जो चीज मैंने वहां पर से ऐड किया वो सब कुछ यार देखो है तो नॉर्मल सही, बट काफी सारे प्लेयर को ये पता नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बता देता हूँ भाई, तुम भी मौज करो ट्राई कर लेना। और ये देखो गाइस ये सर्वोट इसके अंदर भी आ चुका है, वैसे अबे भाई साले मैंने कैची वाले को भी ऐड कर रखा है क्या, हाँ इसके अंदर ये भी है, चाहो तो ऐड कर लेना, और ग्लाइडर तो है ही। बाकी एक बात बता तुम्हें, अभी ना फिलहाल में हमारे गेम पे एक नया मोड आने वाला है स्पाइडरमैन का, तुम्हें पता है वो मोड ना सीधा क्राफ्टलैंड का ही होने वाला है भाई। हमें लग रहा था कि ये मोड भाई हो सकता है कहीं एक अलग मैप बनेगा छोटा सा, उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं यार ये ना मैप पूरा का पूरा क्राफ्टलैंड के अंदर ही होने वाला है और यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग विल्डिंग लगने वाले हैं, ये मोड तो शायद आ चुका है या फिर आने वाला है, हाँ यार जो भी है देख लेना, बट ये क्राफ्टलैंड का ही है। और मुझे नहीं समझ रहा भाई इतने बड़े बड़े बिल्डिंग तो है नहीं क्राफ्टलैंड के अंदर, इन लोगों ने ऐड कहाँ से किया भाई, मैंने तो काफी ज्यादा ढूंढा बट ये मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं यार कुछ नए फीचर्स ऐड करने वाले आई थिंक ये लोग, हो सकता है तो देखते हैं। और हाँ एक चीज की हमारे गेम पे जो अपडेट एडवांस हो रहा था उसके अंदर एक मोड आया था ये वाला, जिसके अंदर ग्लाइडर से लेकर सर्वोट और वो गन पता नहीं बहुत सारी चीजें थी जिसके आसमान के ऊपर भी हम व्हीकल को मंगा सकते थे ना, ये वाला मोड बहुत जल्दी आने वाला है, तुम इसे खेल के गाइस एंजॉय कर सकते हो। और ये सच में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेस्ट सा मोड है, जिसके अंदर एक ही मोड के अंदर सारा कुछ फीचर्स है, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं बिल्कुल एक हैकर लेवल की तरह, काफी मस्त है यार, बहुत जल्दी आने वाला है तो ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसी के अंदर भाई वो ड्रैगन भी था जो कि मैंने तुमको पहले ही दिखाया था, वो ड्रैगन तुम्हें याद है ना, हाँ यार चलो याद ही होगा। ओके सो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो चलेगा तुमको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन भी सामने ही होगा दबा देना यार, चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।